नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज। जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपेक्षा यादव। बहराइच इस वक्त की बड़ी खबर, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। शादी की खुशियों पर लगा दहेज का ग्रहण, हाथों में लगी मेहंदी और घरों में हुई सजावट पर दहेज रूपी दानों ने इस कदर कहर बरसाया कि शादी की खुशियां मायूसी में बदल गई। हाथों में मेहंदी लगाकर बैठी रीना ने अपने घर में कभी ये नहीं सोचा होगा कि दहेज रूपी दानों उसकी खुशियों को चंद मिनटों में समाप्त कर देंगे, लेकिन ऐसा ही हुआ है। आइए देखते हैं बहराइच से ब्यूरो चीफ अब्दुल कादिर। क्या नाम है आपका? हाँ बेटाना जी, क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? आपके साथ में शादी हुई कि भैया मंगनी किया, लगसगा लगा रहा, फिर लोहा शादी के मंगनी किया, मंगनी के बाद शादी के तय तोड़ हो गया। आप सब कुछ मैंने खाना पीना के करता रहा, मेहमान आ गए, मेहंदी लग गई, जब जानो कल बरात आवे के बाद फोन किए इसकी, हाँ हमको 2 लाख रुपया और बुलेट गाड़ी दो, तभी हम शादी करेंगे, नहीं बनते बरा ली देते तो हम भैया भागे कि हाँ जाइए हम ओ देखी कोई बोला ही नहीं। अब का करी बताओ, सहारा देखी करते दिन से अब कौन उपाय करी, मान आदमी हो नहीं है। आपकी बेटी की बारात कब आनी थी? कल। क्या कहा उन लोगों ने? उन लोगों ने कहा कि 2 लाख रुपया दो बुलेट दो, तब तो जो है हाँ बारात आई, नहीं नहीं बारात। इस मामले को लेकर के आप लोग थाने पे गई थी? हाँ। क्या कहा थाने पर? वहाँ पर कहें कि इस लोग के शादी मंगनी के कोई बात ही नहीं, शादी हो गई और बच्चे होती तो उसके बाद रहा है, इसके क्या बात है मंगनी में क्या बात है। क्या नाम है बेटा आपका? रीना। रीना, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हमारे साथ में ना, अरे इस मामले को लेकर के आपने क्या तहरीर किसी थाने पर दी है या एसपी के यहाँ दिया आपने? पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने पैसा पा गया उसके उधर से, तो मैं नहीं करूँगी, गाड़ी को गाड़ी दे के भगाई दी थी, मैं नहीं करेंगे, जा जो करवाना है तो करवा ली, वो भी गाड़ी दे रहा था।